फरीदाबाद में पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। बता दें कि शहर के सबसे बड़े चीनी व्यापारी को उठाकर क्राइम ब्रांच ने लगभग 12 घंटे तक पीट कर उसके साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने पीड़ित व्यापारी की पत्नी के साथ गाली गलौज की, बल्कि पूरे परिवार को गलत केस में फंसाने की धमकी भी दी। स्थानीय बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा ने इस मामले की शिकायत हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को की और विधानसभा में इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। उनका कहना है कि डीसीपी की शाह पर ही व्यापारी को पीटा गया, जिसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यापारियों ने कार्रवाई ना किए जाने पर शहर के बाजार भी बंद करने की चेतावनी दी है। कल हमारे एक शहर के व्यापारी को पुलिस विभाग ने गुंडागर्दी दिखाते हुए, जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ना उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज है, 5-6 पुलिस वाले उसके घर गए, उसकी पत्नी के साथ अभद्रता करी, उसके साथ धक्का मुक्की करी और उसके हमारे भाई को मोहित को पुलिस जबरदस्ती उठाकर अपनी गाड़ी में ले गई। हम और उसके साथ 12-15 घंटे रोलर फिरा, थर्ड डिग्री इस पे की गई है। आज हम विधायक जी से मिले हैं। जो सारा मामला है, ये मोहित गोयल है, ये मैं बल्लेमोड़ के जाने माने व्यापारी हैं। ये मामला पिछले 2 महीने से चल रहा है और जो मामला कल घटित हुआ है, ऐसा ही इसमें एक कड़ी ये भी थी, जिसमें 1 महीने पहले SHO दीपक कुमार की एक टीम इनको पहले भी उठा के ले गई थी और कल भी इनके साथ 5 आदमी सफ़ेद रंग की बलेरो महिंद्रा गाड़ी में आए थे, जिन्होंने इनकी दुकान में घुस के इनकी पत्नी के साथ भी अभद्रता की और मोहित को इसके गन पॉइंट पर उठा के इसे ले गए गाड़ी में और इसे 12 घंटे अपनी गिरफ्त में रखा और वहाँ पर ले जाके इसके साथ अभद्रता की और जो भी इसके साथ हो सकता था मानवीयता की हदें उन्होंने पार कर दी। इसको ये पैरों पे रोलर चलाया गया, इसको पंखे, इसको रस्सी से उल्टा लटकाया गया और इन्होंने जो ना देने की गालियां थी इनके साथ, वो मतलब सारी ही इन्होंने हद पार करके। इस मामले में मुझे ज्ञान नहीं है, पर इसमें जितना मुझे पता चला है, इन चार से जो बात हुई है, इस मामले में कोई केस दर्ज था और इसमें जिसको बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जिसको उठाया गया है, उसके फादर और मदर शायद इस केस में अक्यूज्ड हैं, तो उसी सिलसिले में पूछताछ के लिए इनको उठाया गया था। कल मेरे पास 5 आदमी आए एक सफ़ेद कलर की महिंद्रा गाड़ी में और उनके पास एक गन भी थी। उन्होंने आते ही मेरे से मोबाइल मेरा छीन लिया और उन्होंने कहा चलो हम CIA से आए और अब चलो हमारे साथ। तो मैं भी डर गया था, मैंने गाड़ी में बैठ गया, मोबाइल उन्होंने ले लिए और रास्ते भर मेरे से बहुत गंदी उन्होंने गालियाँ बकी और मेरे से कहते रहे कि कोई मुकेश गुप्ता का तुम्हारा चैप्टर है उसके पैसे दे दो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। फिर ये मुझे ले गए अपना CIA में, वहाँ पे बॉर्डर पे मेरे को वहाँ पे ले जाकर इन्होंने जाते मेरे से कहा कि अपने कपड़े उतार लो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पे हैं ये बता दो, उसके चैप्टर को निपटवाओ, पैसे दे कि काम निपटेगा, उसके बिना नहीं निपटेगा, वरना तुम्हारी वो हालत करूँगा, तेरा शरीर बेकार कर दूंगा। मेरे बल्लौड़ शहर के सबसे बड़े व्यापारी लाला लक्ष्मी नारायण के पोते को जिस तरह पुलिस ने आतंक ढाया है और मुझे शहर के तमाम व्यापारी संगठन मुझे मिले और लक्ष्मी नारायण एक ईमानदार, एक चरित्रवान, एक व्यापारी मेरे शहर का है, पर मुझे इस बात का दुख है कि जो फरीदाबाद को दिया करता था उसी के व्यापारी के पोते को पुलिस ने उठाया और उस पर जो जुलम ढाया, FIR उसके पिता के नाम, उसकी मम्मी के नाम थी, उसके चाचा के नाम थी, उसकी भाई के भतीजे के नाम थी और FIR भी जो मुकेश गुप्ता जो एक काले तेल का व्यापारी है उनके वो लेन देन था और लेन देन को उन्हें फारिग भी कर दिया, कोई एंट्री उनकी खड़ी रह गई थी, एंट्री खड़ी रहने के बावजूद उन्होंने कहा हमने सब कुछ इसका फारिग कर दिया।